Hello everyone, now let's start our discussion with how to design 2-bit ripple up counter using negative edge triggered flip-flop. अब ये जो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड या फिर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होता है क्लॉक पल्स के डिपेंडेंट पे, यानी कि अगर क्लॉक पल्स 0 to 1 ट्रांजिट कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वो 1 to 0 ट्रांजिट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। किस तरह से, देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई विल ड्रॉ स्कीमेटिक ओवर हियर। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लॉक पल्स जनरली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो इस तरह से हो सकता है। अब देखिए, 0 है, ये 1 आ जाएगा, ये 0, ये 1, ये 0 और ये 1 है। ये तो एक सिंपल सा स्कीमेटिक है क्लॉक पल्स का, क्लॉक पल्स का। नाउ हाउ इट ऑपरेट्स, सी, इनिशियली द लेवल इज 0, देन इट इज स्विचिंग टू 1। तो ये ट्रांजिट कर रहा है 0 से 1 को। सिमिलरली देखिए, 0 to 1 है। सो इस टाइप ऑफ क्लॉक पल्स को हम कह सकते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव? बिकॉज देखिए, अगर 0 ग्राउंड है तो 1 हो जाएगा VCC, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। सिमिलरली अगर मैं इनिशियल लेवल 1 कंसिडर करता हूँ, देखिए, तो बाद में आ जाएगा 0, फॉर दिस ड्यूरेशन 1 है, देन 0, देन 1 है, 0 और ये 1 है। अब ये आ गया, अब इसको देखते हैं। स्टार्टिंग लेवल है 1, देन ये ड्रॉप हो रहा है 0 को, 1 है, 0, 1 to 0, सो इट इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम 1 to 0। तो ट्रांजिट हो रहा है हाई टू लो या फिर VCC के से ग्राउंड की तरफ, तो इस क्लॉक पल्स को हम कहते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर। इसको हम कहते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर। अभी किस तरह से कंट्रोलिंग क्लॉक होता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अगर क्लॉक 0 to 1 ट्रांजिट हो रहा है तभी ये वर्क करेगा। सिमिलरली जब क्लॉक पल्स 1 to 0 ट्रांजिट करता है तो ये सर्किट को ऑन करेगा। तो इस क्लॉक पल्स के ऊपर ही पूरा असिंक्रोनस काउंटर डिजाइन होता है। तो हम बात करते हैं ओरिजिनल डिज़ाइन की, क्या है। देखिए, हमें डिज़ाइन करना है 2-bit रिपल काउंटर, यानी कि असिंक्रोनस काउंटर। हमने देखा था असिंक्रोनस काउंटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिपल काउंटर। अब हमें डिज़ाइन करना है 2-bit, यानी कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विल बी 2। दो फ्लिप फ्लॉप्स हमें चाहिए। लेट्स सपोज दिस इज आवर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो हम कंसिडर करते हैं एज J1 K1, और इसका जो आउटपुट है हम कंसिडर करेंगे Q1 Q1 बार। अब कोई भी फ्लिप फ्लॉप ले सकते हैं, हमने यहाँ पर कंसिडर किया JK फ्लिप फ्लॉप। ये है J2 K2, तो इसका स्टेट या फिर आउटपुट आ जाएगा K2 एंड Q2 एंड Q2। अब हमें पता है असिंक्रोनस काउंटर में आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप वर्क्स एज क्लॉक पल्स टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप, यानी कि यहाँ पर जो इनपुट्स है J1 K1 A1 के लिए जाएंगे, सिमिलरली J2 K2 विल बी कनेक्टेड टू 1, यानी कि लॉजिक 1, इनका इनपुट तो फिक्स हो जाएगा लॉजिक 1। अब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे। देखिए, नेगेटिव एज ट्रिगर दिया है तो इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे, और ट्रायंगल विथ बबल, ये है हमारा क्लॉक पल्स। अब हमें कनेक्ट करना है आइदर Q1 और Q1 बार एज अ क्लॉक पल्स टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो हम कंसिडर करेंगे, लेट सपोज वी आर कनेक्टिंग Q1 एज अ क्लॉक पल्स टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। तो मैंने कनेक्ट किया, और यहीं से हम लेंगे Q1 को भी, और यहाँ से हम कंसिडर करते हैं Q1 और Q2, तो हमारा है आउटपुट। तो इस तरह से हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया। अब हम चलते हैं ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक सिंपल सा टेबल, जहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट एक क्लॉक पल्स को, यहाँ पर हम लिखेंगे आउटपुट Q2 और ये Q1 कनेक्ट करें। अब हमने यहाँ पर Q1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने क्लॉक पल्स अप्लाई किया फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के अक्रॉस, यानी क्लॉक पल्स आप देख सकते हैं वो अल्टरनेटली स्विच होता है 0 1 0 1 0 1 से। तो अगर मैं बात करता हूँ Q1 का, तो डेफिनेटली ये देखिए, ये 2 वेरिएबल्स है, यानी कि टर्म्स आएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जीरो Q1 जो है वो अल्टरनेटली स्विच क्या होता है, फर्स्ट इट इज़ 0, देन ये 1 आएगा, बाद में 0 और ये 1 आएगा, 4 कॉम्बिनेशन। तो हमने
क्यू वन क्या लिया है 0101, ये तो अल्टीमेटली आ जाएगा। अब हमें चेक करना है क्यू टू क्या आ सकता है। सो व्हेन आई अप्लाई द फर्स्ट क्लॉक पल्स इनिशियली एज यूजुअल दिस टू फ्लिप फ्लॉप्स विल बी इन रीसेट कंडीशन, और अगर रीसेट कंडीशन में है तो ये आउटपुट आ जाएगा 0, यानी दोनों इनपुट जो फ्लिप फ्लॉप्स है उनका आउटपुट क्या आ गया 0 0। ये तो यूनिवर्सल केस है, इनिशियली ऑल फ्लिप फ्लॉप रीसेट कंडीशन में होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट टर्म में देखिए Q1 जो है वो स्विच हो रहा है 0 से लेके 1 की तरफ। अब देख सकते हैं इनिशियली Q1 क्या था 0, नाउ इट इज 1 एंड वी आर यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। अब नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट है वो कब एक्सेप्ट होता है, व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन 1 टू 0, यानी अगर वो फ्लिप फ्लॉप 1 टू 0 स्विच हो रहा है तो भी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप चेंज हो सकता है, अदरवाइज सेकेंड फ्लिप फ्लॉप स्टेट में ही रहेगा, यानी जो प्रीवियस स्टेट में था वही रहेगा। प्रीवियस स्टेट में अगर 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन क्या हो रहा है 0 टू 1, यानी कि कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो Q2 प्रीवियस स्टेट में 0 था तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 0, यानी हमें मिला 0 1। अब अगर मैं सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूँ या फिर थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है, देखिए थर्ड क्लॉक पल्स में Q1 स्विच हो रहा है 1 टू 0, 1 टू 0 यानी निगेटिव एज ट्रिगर में जा रहा है। अगर निगेटिव एज ट्रिगर में जा रहा है तो जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर हो जाएगा, और ट्रिगर होने के बाद यह आउटपुट चेंज Q2 फ्रॉम व्हाट 0 टू 1 हो जाएगा, यानी हमें मिला अब Q2 1। सिमिलरली व्हेन आई अप्लाई द फोर्थ क्लॉक पल्स, व्हाट हैपन्स, Q1 इज नाउ चेंजिंग फ्रॉम 0 टू 1, बट हम यूज़ कर रहे हैं निगेटिव एज ट्रिगर, और निगेटिव एज ट्रिगर में कंडीशन है 1 टू 0 की, और ये स्विच हो रहा है 0 टू 1, यानी कि जो Q2 है वो प्रीवियस स्टेट में रहेगा। अब प्रीवियस स्टेट में Q2 क्या था 1, तो हमें क्या मिल सकता है 1, तो मिल गया 1। अब हम इसको रीड करते देखिए क्या दिया है 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी कि 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 0, 0 1 का होता है 1, 1 0 का होता है 2, और ये होता है 3। अब देखिए ये अप काउंटर जैसा काम कर रहा है, किस तरह से 0 1 2 3, अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 एंड 3। सो इन दिस वे इट इज़ वर्किंग एज 2-bit रिपल अप काउंटर। किसके ऊपर डिपेंडेंसी है सर, डिपेंडेंसी है Q1 के ऊपर। निगेटिव एज ट्रिगर में अगर 1 टू 0 ट्रांजिशन होता है देन ओनली सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का इनपुट चेंज हो सकता है, अदरवाइज इट विल रिमेन इन द प्रीवियस स्टेट। सो दिस इज हाउ वी कैन डिजाइन ए 2-bit रिपल काउंटर। अब अगर हम इसके टाइमिंग डायग्राम का बात करते हैं तो हम उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टाइमिंग डायग्राम। सो लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट क्लॉक पल्स। निगेटिव एज ट्रिगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्लॉक पल्स हम लेंगे 1 टू 0 का या फिर 0 टू 1 का। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0, देन इट इज़ 1, देन 0, 1, अगेन वील राइट 0, 1, दिस इज 0 1, ठीक है, तो ये आ गया 0 1 0 1 0 1, दिस विल राइट एज अ क्लॉक पल्स। अभी ट्रिगरिंग कंडीशन कहाँ पर है, व्हेन इट स्विचेस फ्रॉम 1 टू 0, नेगेटिव एज ट्रिगर है, तो इसको हम दिखाएंगे कुछ इस तरह से 1 टू 0, और उसको हम मार्क भी कर लेते हैं, कंडीशंस विल बी लाइक दिस। यानी कि 1 टू 0 अगर आता है तभी वो स्विच हो सकता है। अब हम चलते हैं Q1 की तरफ। Q1 का आउटपुट क्या है, देखिए फर्स्ट क्लॉक पल्स के लिए क्या है 0 है, तो देखिए अप टू दिस वन इट इज 0, ये चेंज हो गया, देन इट विल बी 1 1 फॉर दिस पर्टिकुलर साइकिल। अब 1 टू 0 चेंज होता है एज 0, 1 टू 0 0 से चेंज हो के ये आ जाएगा 1, और मे बी फॉर नेक्स्ट साइकिल इट विल बी 0, तो ये आ गया हमारा Q1 आ गया। अब हम चलते हैं Q2 की तरफ। Q2 क्या है, देखिए Q2 फर्स्ट क्लॉक पल्स के लिए 0 है, यानी कि अप टू दिस टर्म इट इज 0, देन सेकंड क्लॉक पल्स के लिए भी 0 है, यानी कि नेक्स्ट टर्म में भी, सॉरी ये हमने गलत लिखा है, ये आ जाएगा 0,
देखिए बाद में क्या है, वन यानी कि यहाँ से ये स्विच होगा वन, एंड अगेन फॉर द फोर्थ क्लॉक पल्स इट इज़ वन, ये वन, और मे बी बाद में ये हो सकता है जीरो। तो ये कुछ लिख लिया हमने क्यू टू। अब रीड कैसा करेंगे, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द टाइमिंग डायग्राम फॉर टू बिट ट्रिपल अप काउंटर। आई होप यू आर गेटिंग इट। इन द सेम वे वी कैन डिजाइन टू बिट ट्रिपल डाउन काउंटर यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर या फिर पॉजिटिव एज ट्रिगर, ये भी हम देख सकते हैं। सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।